को व्यूअर्स, आज का जो रिव्यू है वो डिफरेंट राइफल के बैग्स हैं और पिस्टल के केसेस हैं। मेरे पास काफ़ी जो हैं दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं बैग्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, हार्ड केसेस के ऊपर बनाऊं, पिस्टल बैग्स के ऊपर बनाऊं। तो आज इन्वेंट्री आई भी है और मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूँ कि डिफरेंट साइज़ के बॉक्स हैं, डिफरेंट क्वालिटी के हैं और पिस्टल बैग्स भी हैं। तो आज की वीडियो राइफल केसेस पे है और पिस्टल बैग्स पर है। मैं आपको एक एक करके सारी वीडियो में दिखाता हूँ, डिटेल्स इनकी शेयर करता हूँ और प्राइजेस के साथ आपके साथ आज शेयर करेंगे। सो व्यूअर, सबसे पहले ये एफडी बॉक्स है, बहुत टॉप क्वालिटी का बॉक्स है। एफडी कलर में है, इसकी ऑरेंज इसकी लाइनिंग दी हुई है और क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। जिस तरह पेलिकन का बॉक्स आता है उस क्वालिटी का ये बॉक्स है। इसके हुक्स दिए हुए हैं, ये आप बटन को प्रेस करके ये खुलता है, मतलब सेफ्टी लॉक बहुत हाई क्वालिटी का है। आप सेफ्टी लॉक जब खोलते हैं, एक दो तीन चार और दो साइड में दिए हुए होते हैं, बॉक्स खुलता है तो डबल पैडिंग है इसके अंदर। इसका जो अपर फोम है इसके अंदर, ये प्लग इन फोम है, ये आप इसमें निकाल सकते हैं और अपना पिस्टल का डिज़ाइन या राइफल का डिज़ाइन जो है आप बना सकते हैं। मैं आपको राइफल रख के दिखाता हूँ, पहले इसको मेजर कर लेते हैं। ये 38 इंचेस का है बॉक्स आउटसाइड और इनसाइड से ये 37 इंचेस का आता है। 37 इंचेस के अंदर आपकी M4 राइफल जो है विद स्कोप और विद मैग आराम से आ सकती है। अगर आप अपनी पिस्टल भी रख सकते हैं, आप एक पिस्टल रखना चाहें, दो पिस्टल रखना चाहें, तो ये इस तरीके से आ सकती है। बहुत इजीली आ सकती है विद स्कोप एंड मैगजीन, एक्स्ट्रा मैगजीन आप रख सकते हैं इसके अंदर। दो पिस्टल्स भी आ सकते हैं, फोम प्लग इन है तो आप इसके प्लग इन इसको फोम निकाल के पिस्टल के डिज़ाइन के हिसाब से आप रख सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, टॉप क्वालिटी है। आप इसको ऊपर से कवर लगा के और जब इसको बंद कर देंगे फिर आप इसको ईजिली बंद कर सकते हैं, पूरा ये बंद हो जाता है। उसके बाद से ये अच्छी तरीके से लॉक हो जाता है, आपका राइफल बैग जो है वो रेडी हो जाता है। और इसके अंदर से कोई बिल्कुल फिक्स है, राइफल हिलती नहीं है, बिल्कुल फिक्स है आपकी पिस्टल, राइफल, आपकी स्कोप्स, पूरा ये पैक आपका रेडी हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर व्हील्स भी दिए हुए नीचे, ताकि अगर आपने रेंज पे या कहीं भी लेके जा रहे हैं तो आप इसको ईजिली जो है ऊपर भी एक हैंडल ऊपर दिया हुआ होता है, एक हैंडल नीचे दिया हुआ होता है और आप इसको ईजिली व्हील से मूव भी कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये है एफडी कलर का बॉक्स। इसकी जो प्राइस है वो 50,000 रुपीज है। अब मैं आपको दूसरे जो इसके बैग्स हैं वो दिखाता हूँ। दूसरा जो राइफल बैग है ये लेंथ में लंबा है और ब्लैक कलर में है ये। इसकी जो साइज है ये 42 इंचेस का बैग है। राइफल केस जो है ये 42 इंचेस का है और अंदर से 41 इंचेस का है। ये जो मैंने आपको एफडी दिखाया था उससे हल्की क्वालिटी का है, लेकिन लाइट वेट है ये, उसका वेट थोड़ा हैवी था। इसके नीचे भी व्हील्स लगे हुए हैं, यहाँ से ये ओपन होता है, चार इसके लॉक्स हैं। उसके बाद जब बॉक्स ओपन होता है इसके अंदर भी प्लग इन फोम है और दो राइफल इसके अंदर इजीली आ जाती हैं। डबल राइफल बॉक्स है ये, डबल राइफल केस है ये। अंदर से देख सकते हैं आप, ये 41 इंचेस का है तो आपकी G3 या SR1 क्लाशनकोव, जैसे ये मैं आपको दबके दिखा रहा हूँ, ये इजीली इसके अंदर आ सकती है। और M4s, आपकी M4 विद स्कोप एंड मैगजीन आ सकती है, एक आपका पिस्टल आ सकता है, आप दो पिस्टल रखना चाहें वो आ सकते हैं। उसके बाद आप अपनी दूसरी राइफल भी रख सकते हैं। ये फुल साइज राइफल है, 38 इंचेस की इसकी लेंथ है राइफल की, 37 इंचेस की है और अभी भी इसके अंदर दोनों साइड से एक एक इंच जगह है तो आप आराम से, और ये क्लोज हो जाता है इस तरीके से, लॉक हो जाता है। तो इसके अंदर आपकी दो राइफल्स और दो पिस्टल इजीली आ सकती हैं। बॉक्स आपने देख लिया, अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है, नीचे व्हील्स लगी हुई हैं। इसकी जो प्राइस है वो 45,000 रुपीज़ है, ऑल पाकिस्तान डिलीवरी अवेलेबल है। तो ये तो व्यूअर्स बॉक्सेस हो गए, अब मैं आपको बैग्स दिखाता हूँ। पिस्टल बैग्स हैं, डिफरेंट क्वालिटी के बैग्स हैं,
अब मैं आपको पूरा डिटेल रिव्यू दिखाता हूँ बैग्स के ऊपर। ये 42 इंचेस का है, ये 38 इंचेस का है। अब इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये थर्ड इन्वेंट्री है, ये नायलॉन बैग है, बहुत हाई क्वालिटी बैग है ये, और इसके अंदर दो राइफल्स और दो पिस्टल ला सकती हैं बहुत इजीली। अब मैं आपको दिखाता हूँ बैग की जिप की क्वालिटी, आप देख लीजिए बहुत हाई क्वालिटी जिप है, और बैग इटसेल्फ भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत स्पेस है इसके अंदर। बैग जब हम खोलते हैं इसके अंदर दो पार्टीशन है, और आपकी दो M4 राइफल्स इसके अंदर इजी आ सकती हैं। आप एक M4 रख सकते हैं इसमें, विद स्कोप आपकी राइफल आ सकती है, एक राइफल यूं आ सकती है आपकी, आप पार्टीशन को उगड़ दें और दूसरी राइफल आपको आपकी कोई सेगा AK-47 कोई सी भी राइफल या दूसरी M4 भी इसके अंदर इजीली आ सकती है। ये आप करने के बाद इसको स्ट्रैप अप कर दें, दो राइफल आपकी बैग के अंदर आ चुकी हैं अभी। फिर इसके अंदर पीछे जो है वो आपके हैंगिंग के लिए दिया हुआ, आप इसको कैरी करना चाहें या आप इसको हैंग करना चाहें। उसके बाद यहां पर आप इसको खोल दें तो आपकी दो पिस्टल्स जो है वो इजी आ सकती हैं इसके अंदर। दो पिस्टल्स आपकी आ गई हैं इसके अंदर, आपने इसको बंद कर दिया। अभी भी इसके अंदर काफी स्पेस है कि आप अपने मैग्स रख सकते हैं, अपना एमओ रख सकते हैं, अपने लाइसेंसेस वगैरह आप रख सकते हैं। उसके बाद पीछे भी इधर स्पेस दी हुई है, एक जिप दी हुई है। स्पेस है पीछे, आप इधर कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। तो व्यूअर्स ये आपका बैग है, इसके अंदर दो राइफल्स और दो पिस्टल स्टोर हुई हुई हैं, बाकी इसके अंदर एमओ रखने की जगह है, आपके लाइसेंसेस स्टोर करने की जगह है। एक ही बैग में ऑल इन वन आपका अगर है तो आपको चार चार बैग या दो दो बैग आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, एक ही बैग से आप अपना काम चला सकते हैं। लगा हुआ है आप, अगर आपके पास पैचेस हैं तो आप डिफरेंट पैचेस भी आप लगा सकते हैं, हमारे पास भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैचेस अवेलेबल हैं, तो वो भी आप इस तरीके से अपने बैग को आप खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का बैग है व्यूअर्स, और इसकी जो प्राइस है वो है 29,000 इसकी प्राइस है। ऑल पाकिस्तान डिलीवरी अवेलेबल है। अब जो हमारे पास फोर्थ इन्वेंट्री है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। फोर्थ इन्वेंट्री हमारे पास है, कॉपी बैग है, फर्स्ट कॉपी है 5.11 सीरीज का, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी है और इसके अंदर आपकी जिप क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर दो राइफल्स आपकी इजीली आ जाती है। बैग का साइज जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि साइज भी बता दें, तो ये आप देख लें 42 इंचेस है, और इसके अंदर दो आपकी राइफल्स इजीली आ सकती हैं। मैं आपको एक TR-3 विथ मैगजीन और दूसरी सेगा फुल साइज जिसकी लेंथ है 37 इंचेस, ये दो राइफल इसके अंदर आ गई हैं। आप इसको इजीली, ये हो गया आपका। और अब हम पिस्टल्स की जिसमें देख लेते हैं स्पेस कितनी है, तो इसके अंदर चार पिस्टल्स इजीली आ जाती हैं। कैनिक राइफल फुल साइज, जिग 14, ग्लॉक 19x, स्ट्राइकर 1 जो के ग्लॉक 34 जितना पिस्टल है, ये चारों पिस्टल आ गए आपकी। ये बैग रेडी हो गया आपका, जिसके अंदर दो राइफल्स हैं और चार पिस्टल हैं। फिर आपकी मैगजीन की स्पेस, लाइसेंस वगैरह आप इजीली इसमें रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं।
पीछे हैंगिंग के लिए दिया हुआ है, आप उसको कैरी कर सकते हैं, हैंग भी शोल्डर पे भी और इस तरीके से भी आप कैरी कर सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा बैग है। इसकी प्राइस है 26,000, ऑल पाकिस्तान इसकी डिलीवरी भी पॉसिबल है। ये बैग लास्ट इन्वेंट्री ये है, इसके अंदर भी आपकी दो राइफल्स आ जाती हैं। थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का बैग है लेकिन मजबूत बैग है, जिप क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है इसकी। इसके अंदर भी दो राइफल्स आ सकती हैं और ये दो M4s इसके अंदर आ सकती हैं। ये 30 इसकी जो लेंथ है बैग की 38 इंचेस है। अंदर से ये 37 इंचेस है, टोटल लेंथ इसकी 38 इंचेस है और इसके अंदर 32 इंच से 33 इंच की आपकी कोई भी राइफल जो है वो इजी, 34 इंच तक की कोई भी राइफल इजीली आ सकती है। ये M4 एक इसमें आपको रख के दिखा दी, दूसरी मैं आपको TR3 रख के दिखा देता हूँ। दो राइफल्स इजीली आ गई हैं आपकी, ये आपको मैगजीन आ गया, ये इसका मैगजीन आ गया। दो मैगजीन्स, दो राइफल्स आपकी आ गई हैं इसके अंदर। लाइट वेट होने की वजह से बैग ज्यादा भारी भी नहीं होता और दो पिस्टल्स आप इसके अंदर इजीली स्टोर कर सकते हैं, फुल साइज पिस्टल्स। अभी भी बैग के अंदर बहुत कैपेसिटी है कि आप कोई भी लाइसेंसेस और अपनी एमओ वगैरह सब स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्राइस में अवेलेबल है, 22,000 इसकी प्राइस है और ऑल पाकिस्तान डिलीवरी अवेलेबल है। सो व्यूअर्स, आज की आपको इन्वेंट्री मैंने सारी दिखा दी है, स्क्रीन पर आप नंबर भी देख सकते हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ पसंद आती है आपको तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऑल पाकिस्तान डिलीवरी अवेलेबल है। और अगर आपको चैनल पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।